हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। काफ़ी टाइम के बाद आज इस व्यू के साथ वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो मैं और दीदी जा रहे हैं आज सरहान भीमा काली माता के टेंपल की तरफ। तो अभी हम बस में जाएंगे, बस उधर कहीं आ चुकी है, तो देखते हैं। और काफ़ी टाइम बाद ये भी सोलन से आई है, तो मैंने सोचा वीडियो बना दें। अभी जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे सरहान में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी सनराइज़ हो रहा है वहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा। तो चलते हैं अंदर की तरफ को। तो ये देख सकते हो मंदिर, चल। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ को। तो पहुंच चुके हैं भीमा काली माता के टेम्पल। काफ़ी ठंड है, पूरी सुन्न हो गई है टांगे, थोड़ा धूप में आते हैं। तो शायद इससे अंदर को हमारा अलाउ नहीं होगा फ़ोन। सनराइज़ देख लो एक बार। यहाँ पे कुछ नोटिस लिखा है, जैसे कि मंदिर में जुराब व चमड़े से बनी किसी भी प्रकार की वस्तुएं लेकर प्रवेश ना करें। मंदिर में कैमरा, मोबाइल फ़ोन व अस्त्र शस्त्र लेकर प्रवेश ना करें, और मंदिर में टोपी अवश्य पहने। तो ये कुछ सोचना है, यहाँ से अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होगा। दिखाता हूँ आपको, ये वाला रास्ता दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, पर ये हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। तो जो हमारे बुजुर्गों ने बताया हमें, जब हम पहले आया करते थे, तो वो बोलते थे कि इस रास्ते से जो ये टनल है, टनल टाइप का एक रास्ता है, ये पंडित जी का रास्ता था। पहले वो नीचे ग्रामीण विलेज पड़ता है, वहाँ से आते थे वो इस रास्ते से माता की पूजा करने के लिए सुबह के टाइम। तो एक टनल टाइप है, काफ़ी लंबी है ये, आज तक गए भी हैं इसमें, पर यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो ये देख सकते हो पंडित यहाँ से आते थे और इधर मंदिर में आते थे, और मंदिर में माता की पूजा
पूजा के लिए। काफी लंबी टनल है ये। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको म्यूजियम जो यहाँ पे पुरानी वस्तुएं रखी है। तो सबसे पहले ये देख लो आप, तो ये है पुराने टाइम के बर्तन जो उस टाइम के मावी लोग होते थे, मतलब काफ़ी बड़े बड़े होते थे, तो उनके बर्तन भी इतने बड़े बड़े हैं, काफ़ी पुराने हैं। और देख सकते हो ये कढ़ाई रखी है और इसमें पानी रखा जाता था, और ये है बड्डू, अब शायद बड्डू ही बोलते शायद इसको, और काफ़ी बड़ा है और इसमें भोग भोग वगैरह चढ़ा है। तो मैं अंदर म्यूजियम भी ले जाता हूँ। तो ये रखा है मंदिर में म्यूजियम पूरा पुरानी वस्तुओं का, वो कलश वगैरह रखे हैं और देख सकते हो आप तलवारें, पुराने पुराने जो औजार हैं और शस्त्र वो रखे हैं, तलवारें रखी हैं छोटी छोटी, और इसको बोलते हैं ढाल, ये ढाल होती थी। और ये वाला जो है ये है भाला, जो जो मेरे को बताया वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, और देख सकते हो। अरे ये कौन होते हैं? और आगे आपको देख सकते हो काफी सारी पुरानी वस्तुएं हैं। इधर तलवार वगैरह रखी है, एक छोटा सा म्यूजियम है जिसमें माता की पुरानी पुरानी वस्तु है, और वो लोग थे उस टाइम पे, ये देख सकते हो काफी बड़ी कल्ची है। ये सामने माता का मंदिर है और जहाँ भी दर्शन होते हैं वो उस साइड वाला मंदिर है। और एक चीज़ देख सकते हो आप यहाँ बैक साइड में, उधर से सनराइज हो रहा है और चोटियों के बीच बिल्कुल माता का मंदिर है। और ये ऊपर जो है वो बशल टॉप है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ से। और एक पीक और दिखाता हूँ मैं जो वो है, ये देख सकते हो आप वहाँ पे, ये श्रीखंड की चोटियाँ हैं सारी, तो देख सकते हो आप। अभी मैं कुछ ऐसी जगह पर हूँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये जो पत्थर है काफ़ी ठंडे हैं, सर्दियों का टाइम है और अभी धूप में रह। अब मौसम देख लो कितना बढ़िया है वहाँ, और उन चोटियों में अभी बर्फ आई है। तो ये रखा है यहाँ पे रथ, जब दशहरा होता है तो इस रथ को यहाँ से ले जाते हैं इस वाले रास्ते से, खेत के बिल्कुल बीच से वहाँ पे मंदिर है उस साइड ले जाते हैं। अगर आप वहाँ देखो तो ये हमारे राजा जी का घर है, तो इधर से जाते हैं, ये पूरा शौनितपुर साम्राज्य है, तो देख सकते हैं। अभी मैं मंदिर के बैक साइड आया हूँ तो यहाँ से देख सकते हो आप पूरी हिमालयस की जो चोटियाँ हैं वो दिख रही है, ये श्रीखंड वाली चोटियाँ हैं सारी, तो ये देख सकते हो। और सामने है मंदिर बैक साइड से, और इस जगह से काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो देख सकते हो। इस साइड को बशल टॉप है ऊपर को, और ये देख सकते हो आप मंदिर का बैक साइड से भी।